हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और नासा को बने आज 60 इयर्स हो चुके हैं। लेकिन क्या आप मानोगे, इन 60 सालों में नासा आज तक एक स्पेस सूट नहीं बना पाया। इनफैक्ट रिसेंटली तो अभी कुछ ऐसे भी न्यूज आई है कि नासा अपने स्पेस सूट्स को रेंट पर लेने वाला है। जी हाँ, वो नासा जिसने बाय द वे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे एडवांस स्पेस टेलीस्कोप को बनाया, वो नासा जो सबसे पहली बार चांद पर चढ़ा था, वही नासा आज एक काम का स्पेस सूट बनाने में भी अब तक कामयाब नहीं रहा है। जबकि माइंड यू, 1960s में आईएलसी डोवर नाम की एक अंडरगार्मेंट्स बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ 6 सालों में स्पेस सूट बना लिया। लाइक लिटरली नील आर्मस्ट्रांग ने खुद इसी स्पेस सूट को पहनकर चांद पर अपने पहले कदम रखे। और आज के इतने मॉडर्न जमाने में नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को वही 1974 के जमाने के स्पेस सूट्स बार बार रफू रिफर्बिश करके पहनाते जा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है ना, उस वक्त 1974 में स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए आईएलसी डोवर ने नासा के लिए टोटल 18 सूट्स को डिलीवर किया था, जिनकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन ओरिजिनली सिर्फ 15 साल ही रखी गई। बट देन इवन दो द गाइडलाइंस वर प्रीटी क्लियर, हु आर यू कि उन 18 स्पेस सूट्स को रिफर्बिश कर करके नासा आज तक उन्हें बस चलाया जा रहा है। और अब उनमें से 4 ही स्पेस सूट्स फ्लाइट रेडी कंडीशन में बचे हैं, बाकी सब तबाह हो चुके हैं। एक सूट जो था वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए ही बनाया गया था, दूसरा जो था वो अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड टेस्टिंग के वक्त बर्बाद हो गया, और फिर दो ऐसे 4 सूट्स 1986 के चैलेंजर डिजास्टर और 2003 के कोलंबिया डिजास्टर में खत्म हो गए। और फाइनली एक सूट स्पेसएक्स के रॉकेट एक्सप्लोजन में डिस्ट्रॉय हो गया, जो बाय द वे अभी रिसेंटली 2015 में ISS के लिए कार्गो लेकर उड़ा था। यानी अगर मोटा मोटा देखे तो 18 में से करीब 7 तो ऐसे ही वेस्ट हो गए, बचे सिर्फ 11। अब उनके साथ क्या हुआ? वेल, उनके बारे में बस इतना समझ लो कि फिलहाल इस वक्त उसमें से सिर्फ 4 ही है जो फ्लाइट रेडी कंडीशन में बचे हुए, और 7 स्पेस सूट्स फिर से रफू किए जा रहे हैं आगे फ्लाइट रेडी बनाने के लिए। मतलब जरा सोच कर देखो, हम मेडिकल इक्विपमेंट्स को रफू नहीं करते, हम उन्हें रिफर्बिश नहीं करते, हम नया परचेस कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस सूट्स की बात चल रही है। कितना डेंजरस हो सकता है ये? क्या नासा लिटरली अपने एस्ट्रोनॉट्स की जान के साथ खेल रहा है? जबकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है स्पेस के खतरनाक एनवायरनमेंट में एस्ट्रोनॉट्स की जान उन चीजों से खतरे में पड़ सकती है जो शायद पृथ्वी पर रहने वालों को मामूली सी लग रही है। मिसाल के तौर पर साल 2000 में नासा एस्ट्रोनॉट कार्लोस नोरिगिया जब अपनी एक्स्ट्रा वहीक्यूलर एक्टिविटी EVA या सिंपली स्पेस वॉक करके ISS पर वापस लौट रहा था, तब हेलमेट के अंदर मौजूद पाइप से पानी पीते वक्त गलती से पानी उनके विंड पाइप में चला गया और वो हेलमेट के अंदर ही जोर जोर से खांसने लगे। अब पृथ्वी पर हम जैसे लोगों के लिए ये एक आम बात है, पर उनके लिए वो बिल्कुल नहीं थी। उनकी ये खांसी उनकी जान लेने वाली थी। दरअसल जब कार्लोस खांसे थे तब उनके मुंह से पानी का एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप, अंदर ही अंदर हेलमेट की कांच से टकराया और फिर ग्लास पर फॉगिंग रोकने के लिए उस कांच पर जो सोपी मटेरियल लगाया हुआ था वो उसके साथ मिल गया। और बस फिर उसके बाद वन इवेंट लेड टू एन एंटायर चेन ऑफ इवेंट्स। उस सोपी मटेरियल को अपने अंदर डिसॉल्व करने के बाद वो ड्रॉप कांच से बाउंस बैक होकर कार्लोस की एक आंख में चला गया, और अब कार्लोस ना आंखें खोल पा रहे थे और ना ISS का दरवाजा ढूंढ पा रहे थे, और ना ही हेलमेट की वजह से उनके पास अपनी आंखें रब करने के लिए कोई ऑप्शन था। और फिर फाइनली कुछ वक्त बाद जब उनके को एस्ट्रोनॉट्स को ये पता चला कि कार्लोस के साथ कुछ हुआ था, तब जाके उन्होंने उनकी मदद की। वरना गलती से भी अगर कार्लोस का ISS के साथ लगा हुक और हाथ दोनों छूट जाते तो वो कहीं स्पेस की गहराइयों में, अंधेरों में खो जाते थे। पर ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो बस वंस इन अ वाइल किसी के साथ हुआ हो। पिछले ही साल यही सेम चीज नासा के साथ काम कर रहे कैनेडियन एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड के साथ भी घटी। इस बार उनकी दोनों आंखों में साबुन चला गया था और वो करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक के लिए आंखों से अंधे हो गए थे। अब ये तो इनके सिर्फ स्पेस सूट रिलेटेड इश्यूज है, बट क्या आपको पता है बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स लॉस ऑफ बोन मास, स्पेस शटल क्रैश जैसे बहुत सारे इश्यूज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त फेस करते हैं? स्पेस में अपना समय खत्म होते ही एस्ट्रोनॉट्स का सबसे बड़ा डर होता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त हीट की वजह से स्पेस शटल का ब्लास्ट हो जाना। और क्या आपको पता है स्पेस एक्सप्लोरेशन की जर्नी शुरू होने से लेकर आज तक 30 एस्ट्रोनॉट्स मारे जा चुके हैं ऐसे ही कई इंसिडेंट्स में? और क्या आपको ये पता है कि इन्हीं 30 लोगों में शायद नील आर्मस्ट्रांग का नाम भी हो सकता था? इनफैक्ट वो तो इतने लकी थे कि उनके पृथ्वी पर ना पहुंचने के चांसेस 99.99% बिल किए गए थे। अब फ्रांसिस में से काफी सारी चीजें आपके लिए नहीं होगी, और आप लोग तो मुझे ही क्रेडिट देते हो कि काश आप मेरे टीचर होते तो मुझे सीखने में और भी ज्यादा मजा आता। लेकिन इन सभी चीजों का क्रेडिट मैं पर्सनली कुकू FM ऐप को देना चाहूंगा, जहां से जिसे सुनकर रोजाना
मैं काफी सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। मैं पर्सनली वर्कआउट के वक्त या ट्रैवलिंग में कुकू एफएम की ऑडियो बुक सुनते रहता हूँ, जहाँ से मुझे काफी सारे फैक्ट्स मिल जाते हैं और जिन्हें मैं वहीं पर नोट्स बना के कैप्चर कर लेता हूँ और फिर आपके सामने शेयर करता हूँ। मुझे पर्सनली सोशल मीडिया भी इतना पसंद नहीं है और इसीलिए मैं फ्री टाइम में भी ऑडियो बुक से सुनता रहता हूँ। कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज मिलेंगे अलग अलग जॉनराज लाइक सेल्फ हेल्प, स्पेस, बिजनेस, साइंस, मोटिवेशन, करियर, फाइनेंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, और ये सारा ज्ञान आपको 7+ रीजनल लैंग्वेजेस में मिलेगा। तो रुके क्या हो, आप भी शुरू करो आज से ऑडियो बुक्स को सुनना और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना कुकू एफएम ऐप के साथ, और मेरा कूपन कोड यूज करो गेट सेट 50 टू गेट 50% डिस्काउंट। So, 399 रुपीस की जगह पे 199 रुपीस में। हरी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और जैसे कि हम बात कर रहे थे क्रिस हैटफील्ड सोप इंसिडेंट के बारे में, आधे घंटे से भी ज्यादा समय के लिए उनकी दोनों आंखें अंधी हो चुकी थी, वो भी स्पेस के अंधेरे में। क्या हुआ, यही सोच रहे हो ना कि स्पेस में किसके साथ इससे बुरा क्या ही हो सकता है। वेल, 2013 की घटना के बारे में बताता हूँ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट लुका पार्मितानो अपने ही हेलमेट में डूबते डूबते बचे थे। एक्चुअली लुका ISS के बाहर जब अपना 36 स्पेस एक्सपेडिशन परफॉर्म कर रहे थे, तब अचानक से उनका हेलमेट पानी से भरने लगा और देखते ही देखते उसमें करीब 1.5 लीटर पानी भर गया। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि लुका का स्पेस वॉक अगले 1 घंटे तक चलने वाला था, और ऐसी हालत में हेलमेट के अंदर भरा पानी स्पेस की जीरो ग्रेविटी में एक बड़े से 1.5 लीटर के बबल के रूप में कभी लुका के कान में घुसता, कभी नाक में, तो कभी उनके मुंह में। एंड माइंड यू, इस बार तो ये किसी ड्रिंकिंग बैग का भी इशू नहीं था, इस बार ये उनके स्पेस सूट के कूलिंग सिस्टम से लीक हुआ पानी था, जिसे पीने से भी एस्ट्रोनॉट्स बुरी तरीके से बीमार पड़ सकते थे। इस इंसिडेंट के बाद नासा और उनके साथ कोलैबोरेट करने वाली ESA, इन दोनों ने अपने स्पेस सूट्स में अब्सॉर्बिंग पैड्स लगाना भी शुरू कर दिए। हालांकि फिर से इसी साल मार्च में एक सिमिलर घटना घटी, और इस बार दोनों ही स्पेस एजेंसीज के पास इससे रिलेटेड कोई जवाब नहीं था, और आज भी उनकी लापरवाही यूं ही जारी है। रिसेंटली 2019 में नासा को अपना पहला ऑल फीमेल स्पेस वॉक एक इनडेफिनेट टाइम के लिए सिर्फ इसीलिए पोस्टपोन करना पड़ गया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास स्पेस स्टेशन पर बस एक ही मीडियम साइज स्पेस सूट बचा हुआ है, जो सिर्फ कोई एक ही फीमेल एस्ट्रोनॉट पहन सकती थी। अब यार इतनी लापरवाही, नासा तो एक गवर्नमेंट एंटिटी है और उसे लगातार एक स्टेबल हैवी फंडिंग मिल रही है, तो आखिर ये सेफ्टी चीजों के लिए ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? आखिर नासा को इन सभी चीजों में पैसे लगाने का डर क्यों सता रहा है? Well, उससे पहले जरा इन स्पेस सूट डिजाइन्स पर नजर डालो, आप सब समझ जाओगे। देखो ये जो डिजाइन है ना, ये नासा ने अपने अपोलो मिशंस के लिए इस्तेमाल किया था, क्योंकि इनमें चांद की कांच जैसी शार्प डस्ट से बचाने के लिए पहले तो 12 परतों से लैस एक मोटा प्रेशर सूट दिया गया था, और फिर उस मोटे प्रेशर सूट के बावजूद भी एस्ट्रोनॉट्स काफी आसानी से चांद पर टहले, इसीलिए उन्हें फ्लेक्सिबल और हल्का भी रखा गया था। लाइक आप मानोगे नहीं, ये स्पेस सूट्स अपने लाइफ सपोर्ट बैकपैक के साथ महज 81.6 किलोग्राम्स के ही हुआ करते थे, जो चांद की ग्रेविटी में और भी हल्के फील होते थे, जस्ट अराउंड 13 किलोग्राम्स। अब मे बी आप बोलो कि हल्का बोल रहे हो तो भारी है। वेल, अगर आप इसे अपने कपड़े से कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स, पर अगर आप इसे एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट नाम के स्पेस सूट से कंपेयर करोगे जो ISS के एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक के वक्त पहनते हैं, आप आसानी से नोटिस करोगे कि दोनों में करीब 60 किलो का डिफरेंस है, जो कि ISS से कनेक्शन टूटने पर एस्ट्रोनॉट्स अपनी जान बचा सके इसीलिए ऐड किया गया था। एक बेहतर लाइफ सपोर्ट बैकपैक और एक सेफर नाम के जेट पैक के रूप में, जो चांद पर जरूरी नहीं थे। यानी ऑल इन ऑल मिशन टू मिशन एस्ट्रोनॉट्स की जरूरतें बदलती है, और इन्हीं बदलती जरूरतों के साथ उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और कीमत भी बदलती है। मिसाल के तौर पर साल 2009 से नासा अपने न्यू जनरेशन स्पेस सूट्स खुद बनाने की कोशिश कर रहा था, एंड माइंड यू उसने करीब $200 मिलियन डालकर अपने 2 प्रोटोटाइप्स शोकेस भी किए, एक EMU का एडवांस वर्जन XEMU और दूसरा ओरियन ब्लू सर्वाइवल सिस्टम सूट, जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर टेक ऑफ और लैंडिंग के ड्रास्टिक प्रेशर डिफरेंसेस को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। बट देन अगेन, नया आर्टेमिस मून मिशन जिसके लिए इन्हें बनाया जा रहा था, उसकी डेडलाइन नजदीक आ रही है और इन स्पेस सूट्स का अब तक कोई अता पता ही नहीं है। कुछ कहते हैं कि रिस्ट पर लगे बटन से कंट्रोल होने वाले इनके हीटेड ग्लव्स अकेले ही प्राइस को मिलियंस तक पहुंचा देते हैं, और इसीलिए बनाना इन्हें एक्सट्रीमली महंगा पड़ रहा है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे एडवांस स्पेस सूट्स किसी ह्यूमन शेप्ड स्पेसक्राफ्ट से कम कॉम्प्लेक्स नहीं होते, और इसीलिए उन्हें पहनने में ही हमें मिनिमम 45-50 मिनट्स लग जाता है, और बनाने में एटलीस्ट 45,000-50,000 आवर्स। कहने का मतलब बस इतना है कि घाई गड़बड़ी में अगर नासा से अगर कुछ छूट गया तो नासा हासिल तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर गवाएगा अपने जन्मों की कमाई हुई क्रेडिबिलिटी।
क्योंकि as we all know, पृथ्वी की सतह से लगभग 2 माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई पर एक आर्मस्ट्रॉन्ग लाइन आती है at 63,000 feet, जहां बढ़ते तापमान से पानी का वेपर प्रेशर और पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ही एक लेवल पर आ जाते हैं। नतीजा क्या होता है, जहां जहां आपके शरीर में मौजूद पानी को थोड़ी सी भी फैलने की जगह मिलेगी, वहां का पानी बिना किसी चेतावनी के उबलने लगेगा और अपनी आंखों के उबलते टीयर्स के थ्रू एस्ट्रोनॉट्स को सामने सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, मौत। और इसीलिए नासा ने एक शातिर चाल चली है। वो पैसे तो लगा रहा है लेकिन पर्दे के पीछे से, जरा खुद सोच कर देखो, नासा ने जिन दो कंपनी से 3.5 बिलियन डॉलर्स डालकर स्पेस सूट्स रेंट करवा लिए हैं, उनमें से एक एक्सियोम स्पेस अभी 2016 में ही बना है, आज से बस 6 साल पहले। सो आखिर इस जल्दबाजी की वजह क्या है? क्या नासा जैसा एक साइंटिफिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन करप्शन के चलते साइंस नीचे और गवर्नमेंट ऊपर ला रहा है? वेल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में एक्सियोम स्पेस ने नासा के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए मिड 60s में जेमिनी मिशन के लिए स्पेस सूट्स बनाने वाली द डेविड क्लार्क कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है, अलोंग विद स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े 5 और बड़े नाम। और रही बात सेकंड कॉन्ट्रैक्टर कॉलिंस एरोस्पेस की, तो इनकी तो हिस्ट्री ही अपोलो मिशन से जुड़ी हुई है। दरअसल कॉलिंस एरोस्पेस की लिनिएज ट्रेस बैक करने पर हमें हैमिल्टन स्टैंडर्ड तक लेके जाती है, जिसने अपोलो स्पेस सूट्स के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स बनाए थे। और उसी हैमिल्टन स्टैंडर्ड ने उस वक्त नासा के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिस आईएलसी डोवर के साथ प्रेशर सूट्स के लिए टाई अप किया था, वही आईएलसी डोवर आज कॉलिंस के साथ भी पार्टनरशिप में खड़ी है। यानी देखा जाए तो नासा टेक्निकली नए प्लेयर्स पर कोई अंधा दाव नहीं खेल रही है, वो अपना दाव पुराने एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर्स पर ही खेल रही है, ताकि वो ज्यादातर समय हबल और JWST जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में खर्च कर सके। पर एक सेकेंड, नासा ने रिसेंटली हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक सोने से बना हुआ एस्ट्रॉइड देखा है, जिसका नाम है साइकी 16। और इस एस्ट्रॉइड की कुल मिला के एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है आपको पता है? 10,000 quadrillion US dollars, यानी इतनी कि इस पृथ्वी के हर एक इंसान के बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 10,000 करोड़ जमा हो सकता है। पर इस पर बात करके अमीर होने के सपने हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आपका नॉलेज यहाँ पर बढ़ते रहेगा। और अब फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू FM ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना, यूज माई कूपन कोड टू गेट 50% ऑफ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। And as always friends, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!